गर्मियों का समय चल रहा है और आम का अचार किसको खाना पसंद नहीं है, सभी बहुत चाव से खाते हैं। तो बस आम का अचार किस तरीके से बनाते हैं उसी की आज रेसिपी मैं आपके साथ 3 मिनट के अंदर शेयर करने वाली हूँ। और ये अचार बहुत ही जल्दी बनकर के तैयार होता है। इस अचार की खास बात ये है कि आप इसे साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। तो बहुत ही आसान विधि के साथ मैं आपको आज बनाना बताऊंगी, तो फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले जो मसाले अचार में डलते हैं वही सब हमें ले लेने हैं, जैसे कि राई, सौंफ, जीरा, कलौंजी, मेथी दाना, ये सभी चीज़ों को डाल करके मैंने अच्छे से पीस लिया है, इस तरीके से मोटा दरदरा रखा है। और ये आम को मैंने काट करके अच्छे से 2 दिन की धूप में सुखा लिया है। उन मसालों को हमने इस कैरियो में मिला दिया, मैं आपके लिए वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो उन्हीं सब मसालों को मिला देना है। साथ ही साथ हमें इसमें गुड़ को भी मिलाया है, तो गुड़ आपको इस तरीके से डालना है, जैसे कि आपकी 1 किलो कैरियाँ हैं तो 1 किलो ही आपको गुड़ डालना है। और जब भी आपका जो अचार है एकदम अच्छे से मीठा होगा। और ये देखिए मैंने गुड़ को भी मिक्स किया है कूट करके इसमें। गुड़ का हम पाक नहीं बनाएंगे, पाक बनाने पर उसमें पानी थोड़ा बहुत पड़ता है, तो इसकी वजह से जो अचार है हमारा ख़राब हो सकता है, इसलिए हम गुड़ को कूट करके ही डालेंगे। तो अचार बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है ये। पुराने समय में दादी और नानी इसी तरीके से अचार डाला करती थी, तो वो पुराने तरीके से अचार डालना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। और एक बात और बता दूं मैं आपको, जब हम मसाले ऐड करते हैं ना तो उसी में आप हल्दी, मिर्ची और नमक तीनों चीज़ों को साथ में ही डाल लीजिएगा, ऊपर से नहीं डालेंगे क्योंकि कहीं कहीं मिर्ची और नमक मिल जाएगा और फिर क्या है ना, किसी में ज़्यादा लगेगा किसी में कम, तो ऐसा हो सकता है। तो इस वजह से मसाले में ही मिक्स करके उसमें मिलाइएगा। और अब ये मैंने लिया है तेल, तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। ये आधा केजी तेल है, 1 किलो कैरियाँ, 1 किलो गुड़ में आधा केजी तेल गरम करके डाला है। तेल को हम एकदम गरम गरम नहीं डालेंगे, और थोड़ा सा ठंडा सा हो जाए गरम करने के बाद, गुनगुना सा रह जाए उसके बाद डालेंगे। और इस तरीके से डालने से क्या है ना, जो कैरियाँ हैं लंबे समय तक हमारी सही बनी रहेंगी, फफूंदी वगैरह नहीं लगेगी इसमें, और ये हम लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम इसे एक कंटेनर में डाल करके अचार को रख देंगे, तो ये गुड़ गर्मी की वजह से पिघल करके सारी कैरियों पर अच्छे से चिपक जाएगा। तो ये अचार आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो एक बार आप मेरे कहने पर ज़रूर डालिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की आसान वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इसी तरीके की आसान वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, बाय।